हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर अगेन वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस। सो इन टुडेज़ लेसन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज मोलारिटी नॉर्मेलिटी एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। अगर आपको मोलारिटी पता है तो आप बाय यूजिंग दिस हाउ कैन यू फाइंड द नॉर्मेलिटी, ठीक है। और इसका रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस है न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंटली कहाँ पे पूछा जाता है इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो ये है बेसिक फाउंडेशन फॉर योर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। जिसको केमिस्ट्री में अच्छा करना है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है, प्लीज़ गो थ्रू दिस लेसन और इस लेसन को पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप करके, ठीक है। और एक कॉपी और पेन लेके प्रैक्टिस भी करते जाना है लास्ट तक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके, तो चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है, सपोज दिस इज ए वेसल, ठीक है, एक बीकर ले लिया मैंने और इस बीकर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज व्हाट 1 लीटर। और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज सिंपली द मोलारिटी, ठीक है। अगर मान लिया इस यहाँ पे कितना है 3 मोल ऑफ क्या है HCl है, NaCl, 3 मोल ऑफ NaCl है, तो व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ NaCl, द मोलारिटी ऑफ NaCl विल बी 3 मोलर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर मोलारिटी इज डेनोटेड बाय कैपिटल M। तो अगर तुम्हें आप पूछा क्या व्हाट इज द डेफिनेशन विल बी द मोलारिटी, सो द डेफिनेशन विल बी द मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन is defined as the number of moles of the solute present per liter or डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। तो मैथमेटिकली हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस मोलारिटी, एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। बट यह कहाँ पे होना पड़ेगा, लीटर में होना पड़ेगा। अगर ये लीटर में नहीं कि मिलीलीटर में हुआ तो यहाँ पे यू हैव टू मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अगर ये मिलीलीटर में होगा तब ये 1000 होगा, अगर लीटर में होगा तब ये 1000 नहीं होगा, समझ में आ गया। तो व्हाट इज मोलारिटी, ओके। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज नॉर्मेलिटी, उसके बाद हम लोग इन लोगों का रिलेशन भी देखेंगे, ओके। नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो जेनरली यू नीड टू रिमेंबर दिस नॉर्मेलिटी इज डेनोटेड बाय कैपिटल N, ठीक है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट मास, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ओके। तो पहले मैं बोल देता हूँ, पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट
पर लीटर और डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपली क्या कर सकते हो, सपोज दिस इज ए बीकर, इस बीकर में क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर। ठीक है, और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट, वहाँ पे हम लोग क्या देखा था, मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ओके ऑफ द सॉल्यूट निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है ओके, तो चलो, तो मैथमेटिकली हम लोग नॉर्मेलिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। हो गया, चलो तो अभी हम लोग ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है उसको हम लोग देखेंगे। देखो नंबर ऑफ, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है कहाँ से आता है वो हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब जो सॉल्यूट दिया गया है उसका कितना गिवन मास है वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेके भी उसको देखेंगे तब ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट मास। सो हियर वी विल से व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, मतलब इक्विवेलेंट मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट इज सिंपली व्हाट, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर ओके। तो व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर, ये वैलेंसी फैक्टर मतलब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए एसिड। ठीक है, तो ये एसिड के लिए ये वैलेंसी फैक्टर अलग होगा, एक बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग होगा, सॉल्ट के लिए अलग होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले एसिड के लिए देखते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, एसिड के इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज H2SO4। ठीक है, इसका क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए, वो कैसे निकालोगे, देखो व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड, बेसिस इस एसिड का बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी कितना होता है, 2 होता है। तो ये बेसिसिटी कैसे निकलता है और ये बेसिसिटी होता है क्या है, तो बेसिसिटी मेनली क्या है, इट इज द नंबर, इट इज द नंबर ऑफ डिसप्लेसेबल प्लेसेबल एस प्लस आयन प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द एसिड। ठीक है, जैसे करके HCl में डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो इसका बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा। H2SO3 इसमें कितना है, 2 है, तो इसका 2 होगा। ठीक है, और H3PO4 इसमें कितना है, 3 है, तो 3 होगा। तो जितना हाइड्रोजन है उतना ही होगा, लेकिन लेकिन ये सब में एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शन भी है। सपोज H3PO2 इसका बेसिसिटी होता है 1, H3PO3 इसका बेसिसिटी होता है 2। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दिखने के बाद इसका अंदर में क्या मिलेगा आपको, जितना OH ग्रुप मिलेगा। ठीक है,
OH ग्रुप, मतलब ये हाइड्रोजन एस प्लस नहीं देगा, लेकिन यहाँ से एक एस प्लस दे सकता है, यहाँ से भी एक एस प्लस दे सकता है, और यहाँ से ओनली एक एक एस प्लस दे सकता है, ठीक है। सो द बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोर, द नेम ऑफ दिस सीरीज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और ये है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, लेकिन बाकी एक्सेप्ट द ऑक्सीसिटी ऑफ फॉस्फोरस, बाकी सब के लिए आप हाइड्रोजन देख के उन लोगों का बेसिसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ, राइट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर मास, H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है 98, है कि नहीं, यस। एंड व्हाट इज द बेसिसिटी, इसमें डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसका मोलिकुलरिटी कितना, बेसिसिटी कितना होगा 2, मतलब द इक्विवेलेंट मास इज 49, गॉट माय पॉइंट, यस। तो चलो अभी हम लोग एक बेस के लिए देखते हैं, बेस, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस क्या होगा, सेम, मोलिकुलर मास ऑफ द बेस, जिस बेस को निकालना है उसका मोलिकुलर मास, और उसी तरह उसका क्या होगा, एसिडिटी होता है, बेस के लिए एसिडिटी एंड एसिड के लिए क्या था, बेसिसिटी। तो व्हाट इज एसिडिटी, व्हाट इज दिस एसिडिटी, इट इज द नंबर ऑफ डिसप्लेसेबल Displaceable OH ion present in one molecule of the base, ठीक है, मतलब एक अगर NaOH लिया गया है, क्या भी लिया गया है NaOH, और KOH इसमें कितना है, NaOH और KOH में OH ग्रुप कितना है एक, मतलब इन लोगों का एसिडिटी कितना होगा, एक होगा, सपोज Al2O, ठीक है, इसमें कितना होगा 3 होगा, ठीक है, KOH2 इसमें कितना होगा 2 होगा, तो दिस इज द बेसिसिटी, गॉट माय पॉइंट। तो अगर आपको इस KOH और Al2OH का क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू, सपोज किसके लिए चाहिए, NaOH के इक्विवेलेंट मास चाहिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, तो व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, इट इज 40, और इसमें डिस्प्लेसेबल OH ग्रुप कितना है, एक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो सकता है 40, ओके ओके। तो चलो अभी एक सॉल्ट के लिए देखते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट, एक सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास क्या है, क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्ट बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज किसके लिए ले लेंगे, सपोज NaCl, इसको डिसोसिएट होने के बाद व्हाट यू विल गेट, Na प्लस और Cl नेगेटिव, हो गया। तो अगर आपको NaCl का क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो क्या होगा, पहले आपको इसका मोलिकुलर मास निकालना है, तो मोलिकुलर मास कितना है, सोडियम का है 23 और क्लोरीन का है 35.5, तो ये हो गया 58.5, और इसमें ये जो मेटल एटम है, इसमें मेटल आयन इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक ही है, तो दिस विल, तो 58.8 विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस सॉल्ट, ठीक है, समझ में आ गया सबको, ओके। तो ठीक इसी तरह आप लोग क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। सो हियर वी विल से व्हाट इज मोलारिटी इक्वेशन, व्हाट इज मोलारिटी इक्वेशन, आई थिंक यू नो ऑल व्हाट इज मोलारिटी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, सपोज ये एक बीकर है, इसमें एक सॉल्यूशन है, और जिसका वॉल्यूम कितना है
B1 है, और जब ये B1 है तब इसका मोलारिटी कितना है, M1 है। सेम चीज में हम लोग ने क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम को चेंज कर दिया। सेम चीज का वॉल्यूम चेंज करके हम लोग इसका वॉल्यूम क्या बना दिया, सपोज B2 बना दिया। ओके, एंड लेट एज्यूम द मोलारिटी कन्वर्टेड टू M2। ठीक है, तो इन लोगों का जो नंबर ऑफ मोल्स है इन द सॉल्यूशन क्या रहेगा, रिमेन सेंस रहेगा। क्या रहेगा, द टू टेल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन रिमेन द सेम। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट इसको डाइल्यूट बना दिया। पहले इसका वॉल्यूम कितना था, इसमें हम लोग ओनली द सॉल्वेंट ऐड किया, नॉट द सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन व्हाट, सेम। इसलिए क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री, तो द रिलेशन इज M1 इंटू B1 इज इक्वल टू M2 इंटू B2। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट एनी ऑफ द अननोन पेरीमीटर। अगर आपको पास अगर कोई भी थ्री पता है तो यू कैन फाइंड आउट एनी ऑफ द वन। ओके ओके, चलो इसके और थोड़ा एडवांस में देखते हैं। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोलारिटी इक्वेशन। व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मोलारिटी इक्वेशन। गॉट माय पॉइंट? ओके, चलो सपोज फॉर ए वैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग N1 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A, ठीक है, एंड N2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B। मतलब जो N1 जो रिएक्टेंट A है उसका मोल कितना है, N1 है, और जो रिएक्टेंट 2 है उसका मोल कितना है, N2 है। तो फॉर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट A1, तो इन लोगों के लिए अगर क्या हो गया, आपको रिलेशन चाहिए तो क्या होगा, M1 P1 बाई N1 इजिकल टू M2 B2 बाई N2। तो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू ऑल्सो कैन फाइंड आउट द वैल्यूज इफ दिस मोल्स आर ऑल्सो गिवेन। ओके, समझ में आ गया। चलो डियर स्टूडेंट, नाउ वील सेक व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मली यू नीड टू रिमेंबर फॉर एन एसिड नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन एसिड, एक एसिड के लिए नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलारिटी इंटू बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी मतलब अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज H2SO4 इसका मोलारिटी कितना है, सपोज 5 है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी, तो वेरी इजी, तो फॉर्मूला क्या है, N इज इक्वल टू N इंटू M। N मतलब क्या होता है, एसिड के लिए बेसिसिटी। तो यहाँ पे व्हाट इज द एसिसिटी, बेसिसिटी मतलब डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना है, यहाँ पे H प्लस आयन 2 है, तो द बेसिसिटी विल बी 2। एंड व्हाट इज द मोलारिटी गिवेन, मोलारिटी इज 5, सो द नॉर्मेलिटी विल बी 10 नॉर्मल। ठीक है, बहुत ही इजी था। तो चलो अभी हम लोग देखेंगे नॉर्मेलिटी बेस के लिए क्या होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन बेस, एक बेस के लिए क्या होता है, मोलारिटी इनटू एसिडिटी। बेस के लिए क्या होगा, एसिडिटी होगा, मतलब क्या होगा, N इज इक्वल टू N इंटू M, यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे दिस N इज व्हाट, एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होता है, एक बेस का, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं NaOH, ठीक है,
तो इसका एसिडिटी कितना है, इसका एसिडिटी है एक। एक क्यों है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसेबल माइनस ओएच ग्रुप, ओएच ग्रुप कितना है, एक ही है। हो गया। तो अगर तुम्हें पूछा गया ये द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज टू, सपोज इसका नॉर्मेलिटी टू है, आपको क्या निकालना है, एम निकालना है। तो फॉर्मूला इज व्हाट, एन इज इक्वल टू एन इंटू एम। ठीक है, तो यू नो द वैल्यू ऑफ एन, एन दिस स्मॉल एन इज फॉर दिस इज वन, तो एम इज इक्वल टू ऑल्सो समझ में आ गया। तो बाय यूजिंग दिस लॉ, बाय सॉरी दिखा अभी दिखाई दिया होगा, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, हियर आई विल शो यू द कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ऑन मिक्सिंग टू और मोर सॉल्यूशन। सपोज here in this beaker, this is a beaker, okay, here is a solution, the molarity of the solution is m1 and normality is n1 and the volume is b1. okay, I have taken another beaker, here the volume is b2 and molarity is m2 and normality is n2. okay, suppose this is a different, here the solution of HCl and it is of H2SO4. okay, suppose both are different and you want to make a new solution by mixing these two. ठीक है, मतलब ये दोनों को मिक्स करके एक नया सोल्यूशन बनाना है, तो अब इस नया सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, जो नया वॉल्यूम होगा दैट विल बी बी वन प्लस बी टू। ठीक है, सपोज इसका नया जो मोलारिटी बन गया वो हो गया एम थ्री और इसका जो नया नॉर्मेलिटी बन गया वो हो गया एन थ्री। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एम थ्री एंड दिस एन थ्री। ओके, तो फॉर दिस केस ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला इज एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू इक्वल टू एम थ्री बी वन प्लस बी टू। बैठेगा this by using by applying this formula you can find out the molarity of this new solution. Okay, by of the mixture. Similarly for normality you can apply this law n1 b1 for n2 or b2 N2 और B2, ठीक है, समझ आएगा। ओके, इक्वल टू N3 B1 प्लस B2। ओके, तो बाय अप्लाइंग दिस लॉ यू कैन इजीली फाइंड आउट द न्यू नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। ओके okay my dear student, here I will do some numerical. So this is the first question, a solution of oxalic acid, a oxalic acid ka formula is prepared by dissolving 63 gram of the acid in 250 centimeter cube of the solution. मतलब ये volume दिया गया है और ये weight of the solute है, मतलब इस acid का weight है। You are asked to find out the molarity and normality. ठीक है, तो first of all calculation of molarity. We will calculate the molarity. तो molarity निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, number of mole चाहिए। ठीक है, number of mole. तो here you can see the molar mass of ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हो गया आपका ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे दो वाटर भी है, तो कितना होगा, कार्बन कितना है इसमें, दो कार्बन है, टू इंटू ट्वेल्व। ऑक्सीजन कितना है, दो दो चार, चार और ठीक है, तो इसके लिए कितना हो गया, दो वाटर के लिए 36 हो गया और यहाँ पे 64 हो गया और प्लस 2, तो 24 प्लस 66
प्लस 36, तो टोटल मिल के हो गया कितना हो जाएगा, ये हो गया 126 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ओके, तो दिस इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो यू कैन, सो नाउ यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड कितना होगा। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवेन मास बाय व्हाट, मोलिकुलर मास। तो व्हाट इज द मास गिवेन, इट इज 0.63, एंड व्हाट वाज द मोलिकुलर मास, जस्ट यू हैव कैलकुलेटेड, इट इज 126। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट द वैल्यू एज 0.005, क्योंकि 63 का दो टाइम करने से 126 मिलता है कि नहीं। एंड तो हमें, हम हमें को क्या चाहिए, मोलारिटी चाहिए। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ये मोल ऑफ सोल्यूट था। एंड व्हाट वाज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया गया, 250 ml, लेकिन ये लीटर में होना चाहिए, लीटर में नहीं है, ml में है, इसलिए यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये काट करके क्या हो जाएगा, 5/225, ये कितना टाइम जाएगा, 5/0 1/50। तो 1/50 मतलब क्या लिख सकते हो, 0.02 मोलर। समझ में आया सबको, दिस वॉज वेरी इजी। नाउ विल फाइंड द नॉर्मेलिटी, अभी हम लोगों को क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी के लिए क्या चाहिए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, तो एसिड के लिए क्या चाहिए, मोलर मास, मोलर मास बाय द व्हाट, एसिड के लिए व्हाट, बेसिसिटी, बेसिसिटी। तो ये हो गया आपका 126 का मोलर मास, और देखो ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, और इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, दो है। तो ये हो गया 63, मतलब 63। ओके, तो चलो अभी हम लोग क्या निकालता है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर गिवेन मास बाय इट्स इक्विवेलेंट मास। ओके, तो ये बन गया क्या, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन कहाँ पे होना पड़ेगा, लीटर में होना पड़ेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना निकला, 0.01, एंड वॉल्यूम कहाँ पे है, 250, ये ml में है, तो इसलिए 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में हो गया 10, नीचे में हो गया 250, तो ये बन गया 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और सिंपली यू कैन से द नॉर्मल। तो बाय अप्लाइंग दिस यू कैन फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी। के माय डियर स्टूडेंट, सो हियर आई हैव ए न्यूमेरिकल फॉर यू, यू हैव टू फाइंड आउट द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, ओके, ऑफ दिस फॉलोइंग फोर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, 100 ml ऑफ क्या है, 2 molar H2SO4, उसके साथ 50 ml ऑफ 0.1 molar HCl को मिक्स किया गया है। यू हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। तो इसी तरफ 2 normal ऑफ H2SO4 और 0.1 normal ऑफ HCl, ओके, दोनों का वैल्यू वॉल्यूम भी दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग देख सकते हैं। तो क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अगर नहीं हुआ उसके बाद हम लोगों को मेरा सॉल्यूशन दिखना है। तो चलो पहले करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है, इसमें पहले इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, और तब इसका मोलारिटी कितना है, 0.1 molar है। तो फाइनल, और इसके साथ क्या ऐड किया गया है, और भी ऐड किया गया है, 50 ml ऑफ व्हाट, HCl, और उसमें उसका मोलारिटी कितना है, 0.01 molar। और हमको पता है व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट सॉल्यूशन देन द फाइनल मोलारिटी बिकम्स सपोज M3, इट बिकम M3 एंड द वॉल्यूम बिकम्स V1 एंड V2, ठीक है। सपोज दिस इज फाइनल वॉल्यूम, ओके चलो। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, M1V1 + M2V2 = M3V1 +
बी टू, ओके समझ में आ गया। तो सिंपली पुट द, यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, एम थ्री चाहिए, तो क्या होगा एम वन बी वन एम टू बी टू बाई बी वन प्लस बी टू। तो सिंपली पुट दिस वैल्यू एंड ये हो गया 10 और 50 प्लस 100 लाके कितना हो जाएगा 150, ठीक है। एम वन बी वन ये दोनों मल्टीप्लाई करने से कितना मिल जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से आपको हो गया 0.2 इंटू 100, ठीक है, और ये हो गया 0.1 इंटू 50। तो आफ्टर सिंपली कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट 0.167 मोलर, हो गया। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑल्सो, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू एन थ्री क्या होगा वी वन प्लस बी टू। तो चलो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, पहला है 0.2 मोलर एच टू एस ओ फोर, तो इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा, तो देखो नॉर्मेलिटी मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन इंटू मोलारिटी, एन मतलब एसिड के लिए बेसिसिटी एंड बेस के लिए एसिडिटी, ये है एसिड, इसका बेसिसिटी कितना है 2 है, मतलब 2 इंटू 0.2 मतलब ये हो गया 0.4 नॉर्मल एच टू एस ओ फोर, यू कैन राइट लाइक दिस, ओके। तो चलो अभी ये क्या है 0.1 मोलर ऑफ HCl, तो HCl का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, तो इसका नॉर्मेलिटी कितना होगा 0.1 नॉर्मल ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में इसको अप्लाई करने के बाद यू कैन फाइंड लाइक दिस क्या होगा B1 B2 N1 B1 प्लस B2 N2, इसमें पुट करो, आफ्टर पुटिंग यू विल गेट द वैल्यू एस 3.3 नॉर्मल, ओके। तो ठीक इसी तरह आप बाकी न्यूमेरिकल भी खुद ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, सबके लिए सेम ही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत रहेगा तो हमको ज़रूर बताएं, और ये तीनों न्यूमेरिकल एज ए होमवर्क करना है, और करने के बाद यू हैव टू सेंड इट टू माई व्हाट्सएप नंबर, ओके माई डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।